सो फॉर अ डिवोटी देर इज नो डिफिकल्टी इन अप्रोचिंग द सुप्रीम इमीडिएटली एंड डायरेक्टली, बट फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द इम्पर्सनल वे टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन द पाथ इज डिफिकल्ट. दे हैव टू अंडरस्टैंड द अनमैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम थ्रू सच वैदिक लिटरेचर्स एज द उपनिषद्स, एंड दे हैव टू लर्न थ्रू लर्न द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द नॉन परसेप्चुअल फीलिंग्स एंड रियलाइज ऑल दिस प्रोसेसेस. दिस इज नॉट वेरी इजी फॉर कॉमन मैन. अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस सिंपली बाय द गाइडेंस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, सिंपली बाय ऑफरिंग रेगुलेटिव ओबियंसेस अनटू द डेटी, सिंपली बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड सिंपली बाय ईटिंग द रेमिनेंस ऑफ द फूडस्टफ्स ऑफर्ड टू द लॉर्ड, रियलाइजेस द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड वेरी इजिली. जिसका झूठा खाते हैं उसके जैसा बनते जाते हैं या उसके प्रति और प्यार बढ़ता है. तो भगवान का झूठा खाएंगे जो कि है प्रसाद, तो भगवान के लिए और ज्यादा प्यार बढ़ेगा. देर इज नो डाउट दैट द इम्पर्सनलिस्ट आर अननेसेसरीली टेकिंग अ ट्रबलसम पाथ विद द रिस्क ऑफ नॉट रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ एट द अल्टीमेट एंड. जो इम्पर्सनलिस्ट है उनको पता नहीं है कि जो मतलब अदृश्य काया में, इसमें मैं भी पढ़ती हूँ बट फिर भी जो अदृश्य गया में करते हैं पूजा, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो भगवान तक पहुंचने में, कॉन्सेंट्रेशन अगर भटक जाए. तो ऐसे हम भगवान के प्रति भक्ति कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में सुन के, उनका डिवोशनल सर्विस करके, एक स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति अट्रैक्ट होके, ठीक है. ये सब बहुत अलग अलग वेज है. मतलब स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति अट्रैक्ट होना मतलब स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में आके उनसे गाइडेंस लेके फिर भगवान की भक्ति करना, वो सारी चीज़ें करके हम कर सकते हैं, ठीक है. और बाकी है भगवान का प्रसाद तो मैंने पहले ही बता दिया खाने का. बट द पर्सनलिस्ट विदाउट एनी रिस्क ट्रबलसम और डिफिकल्टी अप्रोचेज द सुप्रीम पर्सनैलिटी डायरेक्टली. अ सिमिलर पैसेज अपियर्स इन श्रीमद भागवतम. इट इज स्टेटेड देयर दैट इफ वन अल्टीमेटली हैज टू सरेंडर अन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, दिस सरेंडरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड भक्ति. बट इंस्टेड टेक्स द ट्रबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज ब्रह्मन एंड वॉट इज नॉट ब्रह्मन एंड स्पेंड्स हिज होल लाइफ इन दैट वे, द रिजल्ट इज सिंपली ट्रबलसम. तो भगवान के पास भक्ति करो, उनके जो कृष्ण रूप है उसके प्रति भक्ति करो. उसके जगह अगर ब्रह्मन क्या है, नॉन ब्रह्मन क्या है, ये वो समझने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, समझ में भी नहीं आएगा. देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड हियर दैट वन शुड नॉट टेक अप द ट्रबलसम पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बिकॉज देयर इज अननेसेसरी अनसर्टेनिटी इन द अल्टीमेट रिजल्ट. खुद को बहुत ज्यादा समझने के लिए आप अगर नहीं पा रहे हो तो भगवान की भक्ति करो, अपने आप ही समझ जाओगे. अ लिविंग एंटिटी इज इटर्नली. अगर ऐसा सोचते हो ना मैं खुद को शुद्ध करने के बाद भगवान के पास जाऊंगी या फिर मैं खुद को समझने के पास जाऊंगी, तो बहुत लेट हो जाएगा. पहले ही भगवान की भक्ति करो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे. यस, अ लिविंग एंटिटी इज इटर्नली द इंडिविजुअल सोल एंड इफ ही वॉन्ट्स टू मर्ज इन टू द सुप्रीम होल ही मे अकम्प्लिश द रियलाइजेशन ऑफ द इटर्नल एंड नॉलेजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओरिजिनल नेचर, बट द ब्लिसफुल पोर्शन इज नॉट रियलाइज. बाय द ग्रेस ऑफ सम डिवोटी सच एज ट्रांसेंडेंटलिस्ट हाईली लर्नड इन द प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा मे कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योगा एज और डिवोशनल सर्विस. एट दैट टाइम लॉन्ग प्रैक्टिस इन इम्पर्सनलिज्म ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रबल बिकॉज ही कैनॉट गिव अप द आइडिया. तो जो लोग मान लो लिविंग एंटिटी जो है वो चाहे तो खुद को पूरी तरीके से स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में ला सकता है, भगवान की वो ब्लिसफुल यानी कि जो शांति वाला पार्ट है उसको वो ला सकता है. बट उसके पास में अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो समझ नहीं पाएगा. भगवान बाय द ग्रेस ऑफ सम डिवोटी दूसरे भक्तों के सानिध्य में आके एक भक्त ट्रांसेंडेंटलिस्ट हाईली लर्नड इन द प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा में कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योगा. ज्ञान योग से वो भक्ति योग के पॉइंट में आ सकते हैं डिवोशनल सर्विस में. एट दैट टाइम लॉन्ग प्रैक्टिस इन इम्पर्सनलिज्म ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रबल बिकॉज ही कैनॉट गिव अप दिस आइडिया. वो इस आइडिया को दे ही नहीं सकता. Therefore, an embodied soul is always in difficulty with the unmanifest, both the time of practice and at the time of realization. Living, every living soul is partially independent, and one should know for certain that this unmanifested realization is against the nature of his spiritual blissful self. तो हर एक लिविंग एंटिटी, देखो भक्ति योग में आना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. एट दैट टाइम लॉन्ग प्रैक्टिस इन इम्पर्सनलिज्म ऑल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रबल. ज्यादा ज्यादा अगर अदृश्य काया के लिए भक्ति करोगे तो
उससे निकलना, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, हमें उसकी एडिक्शन लग जाती है, हमें उसका आदत लग जाता है, तो उससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो अगर कोई अलग एक टाइप से भक्ति करता आ रहा है तो उससे भी चेंज करने में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें एवरी लिविंग सोल इज़ पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड वन शुड नो फॉर सर्टेन दैट दिस अनमैनिफेस्टेड रियलाइजेशन इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ ए स्पिरिचुअल ब्लिसफुल सेल्फ। One should not take up this process. For every individual living entity, the process of Krishna consciousness, which entails full engagement in devotional service, is the best way. If one wants to ignore this devotional service, there is the danger of turning to atheism. तो अगर कोई डिवोशनल सर्विस को छोड़ दे, भगवान की भक्ति को छोड़ दे, तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलो या भक्ति के कॉन्शियसनेस में बोलो, अगर वो जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो डिवोशनल सर्विस को छोड़ने से एथिज्म में चला जाएगा, वो भक्ति ही उसके मन से चली जाएगी। दस द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग अटेंशन ऑन द अनमैनिफेस्टेड द इनकन्वेंसेबल विच इज बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ द सेंसेस एज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड इन द वर्स शुड नेवर बी एनकरेज्ड एट एनी टाइम स्पेशली इन दिस एज। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड बाई लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा ये ऐसा बोल रहे हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा आप अपने वो इम्पर्सनल ब्रह्मन को ना सोच करके आप एक कॉन्सेंट्रेट करके एक रूप को करो तो आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर कोई अपने आप कर सकता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये बताया गया कि भगवान की भक्ति में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको भगवान की जो विग्रह है या मूर्ति है उसके जरिए भक्ति करना ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ पर भगवद्गीता। हालांकि मैं खुद भगवान को मूर्ति रूप से भी ज़्यादा अदृश्य काया में याद करना पसंद करती हूँ, बट सबकी अपनी अपनी तरीके है। जो भगवद्गीता में बोला गया वो हमने आज डिस्कस किया। अगले दिन हम श्लोक 6 एंड 7 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।